Hi friends, I am Uday Mishra. You are watching MBS Mickey. Today I am discussing complementary functions. Complementary functions में आज हम पहले की वीडियो में हमने बता रखा है जैसा कि कैसे इनके क्या रूल्स होते हैं, कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं, तो हमने दोबारा रिवाइज करके एक बार देखते हैं. तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो होता है y इक्वल टू होता है वो CF एंड क्या होता है PI. CF एंड क्या होता है जो हमारा CF एंड PI प्लस PI, जो माउस से हमारा लिखी नहीं जा रहा है, पी एंड आई. अब इनको हम क्या कहते हैं, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से. अब हम सबसे पहले इसमें CF और Y निकालेंगे. तो CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, CF निकालने के लिए पहले जो दिया होता है फंक्शन, इनको हम इस फॉर्म में कर लेते हैं. जहाँ पर dy by dx होता है वहाँ पर हम d कर लेते हैं, जहाँ dy by dx होता है, ठीक है. नहीं तो हमारा देख पा रहे हैं dy by d के पावर 4 y अपॉन dx के पावर 4 माइनस a के पावर 4 इंटू y इक्वल टू 0. तो हमने देखा इस साइड का जो होता है ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो इस साइड का होता है ये पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है. तो हम सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जहाँ पर डी अपान डी एक्स होगा वहाँ पर हम क्या रख देंगे, पुट कर देंगे डी, पुट कर देंगे डी. पुट करने के बाद में हम देखेंगे, तो यहाँ पर डी पुट करेंगे तो डी के पावर 4 वाई माइनस ए के पावर 4 वाई, ठीक है, ये हमारा आ गया. अब यहाँ पर हम वाई यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है तो वाई हमने कॉमन ले लिया. कॉमन लेने के बाद में अब हम देन क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक्जिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्जिलरी इक्वेशन निकालेंगे. तो एक्जिलरी इक्वेशन निकालने के लिए जहाँ डी होगा वहाँ पर एम पुट कर देंगे, और जहाँ वाई होगा वहाँ क्या कर देंगे, वन पुट कर देंगे. हमने वहाँ वाई पर वन पुट कर दिया. अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डी के स्थान पर हमने एम पुट कर दिया और वाई के स्थान पर वन पुट कर दिया. अब ये होगा हमारा डी एम के पावर 4 माइनस ए के पावर 4, ठीक, इक्वल टू 0. अब इक्वल टू 0 हो गया. अब उसके बाद में फिर एम स्क्वायर, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे इसका हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रूट फाइंड करना होगा. तो रूट फाइंड करने के लिए हम जानते ही हैं कि रूट कैसे फाइंड करते हैं. तो रूट फाइंड करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में करके, और हमने कन्वर्ट करके और रूट फाइंड कर लेंगे. तो हम देख पा रहे होंगे कि रूट हमारा क्या आया, एक रूट हमारा जो आया है वो क्या है, एक जो हमारा है कॉम्प्लेक्स पेयर, ये हमारा क्या आया, कॉम्प्लेक्स नंबर. अब जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, या देखिए आप लोग कॉम्प्लेक्स पेयर है, तो जो हमारा ये है, ये चीज़ हमारा रियल है और ये चीज़ हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है. अब जैसा कि हम देख पा रहे होंगे कि हमारा कितना होना चाहिए, 4 रूट्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने पावर होती है उतने रूट्स होते हैं. तो हमने 4 रूट्स, दो रूट्स यहाँ पर निकाले, यानी हमारे 4 रूट्स हो गए, और ये हमारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स पेयर हैं, और ये वाले डिस्टिंक्ट हैं एंड ये वाले हमारे इक्वल हैं. अब यहाँ पर हमने देखा ये रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, जो ये वाला चीज़ है ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ये के पावर निकला, और एक ये है. तो इस चीज़ को हमने क्या लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया. यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा वाला था तो हमने अल्फा के स्थान पर शून्य रख दिया, यानी 0 लिख दिया. और ये तो एक हमारा क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, दो, और दो हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स पेयर नंबर्स हैं. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रियल डिस्टिंक्ट निकालें. आप कुछ भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम रियल डिस्टिंक्स का ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे. तो रियल डिस्टिंक्स के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं, पहले हम बता रखे हैं, जैसे कि C1 e के पावर AX प्लस C2 e के पावर AX होता है, मतलब ये M1 और M2 होता है. तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि M1 की वैल्यू कितना है, A है, और M2 की वैल्यू कितना है, -1 है. तो M2 के स्थान पर हमने -1 रख दिया. फिर हम देख पा रहे हैं कि प्लस जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख भी सकते हैं, जैसे कि नहीं देख रखे हैं तो. अब यहाँ पर हमने
फिर हम किसके लिए, कॉम्प्लेक्स पेयर के लिए, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो हमारे की इक्वल हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई के पावर एम एक्स, ई के पावर अल्फा क्या होता है, अल्फा एक्स प्लस, उसके बाद में फिर सी थ्री सी टू, यानी यहाँ जो यदि हमारा ये वाला नहीं होता तो यहाँ पर हम सी वन और सी टू का यूज करते, लेकिन तो हमारा पहले से जो है ये कांस्टेंट है, ऑर्डिनरी कांस्टेंट हमारा जो पहले से नहीं यहाँ पर इंक्लूड है दो, तो हम उसके बाद में दो यूज है, फिर तीसरा का और थ्री और फोर का हम यूज करेंगे। तो थ्री और फोर का हमने यूज किया, हाँ, तो यहाँ कॉम्प्लीट सी थ्री कॉस यहाँ पर होता बी बीटा एक्स प्लस, यहाँ पर क्या होगा सी फोर साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पर बीटा के स्थान पर हमारा देख पा रहे होंगे कि अल्फा के स्थान पर हमारा क्या है, अल्फा के स्थान पर हमारा जीरो है और बीटा के स्थान पर हमारा ए है। तो हमने अल्फा के स्थान पर हमने जीरो लिख दिया और बीटा के स्थान पर ए लिख दिया, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, ठीक है। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमने यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री को फंक्शन निकाल लिया, यहाँ पर ये वैल्यू वन हो जाएगी, आप लोग जानते हैं जैसा कि ई के पावर जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, ए होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया और ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये वाला हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब उसके बाद में हमें क्या करना होता है, जैसा कि हमें इस वीडियो में बताएं, ये देखिए आप कि वाई इक्वल टू, मतलब ये जो ऑर्डिनरी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं सी एफ निकालते हैं, उसके बाद में पी आई निकालते हैं। तो पी आई ही हम देखते हैं, तो पी आई हमारा क्या है, पी आई इस साइड का सी एफ होता है, इस साइड का हमारा पी आई होता है। तो जो ये राइट हैंड साइड का है पी आई है, वो पी आई हमारा कितना है, जीरो है। तो हमने पी आई क्या लिख रखा है, पी आई हमने लिख रखा जीरो, ठीक है। अब इट्स सोल्यूशन वाई, अब यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ के स्थान पर सी एफ लिख देंगे और पी आई के स्थान पर पी आई लिख दिया, तो हमने सी एफ की वैल्यू लिख दिया और पी आई हमारा जीरो है जो कि हमने लिखा, तो हमारा क्या आएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन का वन क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक। अब इसी तरह हम अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम फिर पी आई वाले यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में भी हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, और आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और प्लस हमें ये कमेंट करके बताते रहिए कि कैसा वीडियो लगा और हमें क्या और टॉपिक के बारे में हम बात कर सकते हैं या पढ़ा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्माइल।